टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का दिल्ली में सम्मान, खेल मंत्रालय की ओर से आयोजित किया गया समारोह। अनुराग ठाकुर और किरण रिजिजू ने किया ओलंपिक के पदक वीरों का सम्मान, केंद्रीय मंत्री निशित प्रमाणिक भी रहे मौजूद। नीरज चोपड़ा ने दिखाया गोल्ड मेडल, कहा यह पूरा देश का है, विरोधियों को देखकर मिला हौसला। मुझे लगता है कि अपोनेंट को देख के और कॉम्पिटिटर को देख के कभी भी घबराना नहीं चाहिए, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे पहले ओलंपिक में, क्योंकि इतना अच्छा कंपटीशन होने के बावजूद भी और इतने अच्छे एथलीट होने के बावजूद भी हमने गोल्ड जीता है। सम्मान समारोह में नीरज चोपड़ा ने अपने माता पिता को समर्पित किया गोल्ड मेडल, परिवार के साथ खाई मिठाई। ओलंपिक के पदक वीरों का राजधानी दिल्ली में हुआ ऐतिहासिक स्वागत, एयरपोर्ट पर जमा थी हजारों प्रशंसकों की भीड़। विजेताओं के आगमन पर झूम उठी दिल्ली, एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों से हुआ स्वागत, प्रशंसकों के हुजूम के साथ निकला काफिला। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पर टिकी थी सबकी निगाहें, सेल्फी लेने के लिए फैंस में मची होड़। बजरंग पुनिया को प्रशंसकों ने कंधे पर उठाया, कुश्ती के हीरो के हाथों में लहरा रहा था तिरंगा। तो मैंने यही सोचा लास्ट बाउट है, अगर टूट भी जाएगा तो कोई नहीं, उसके बाद रेस्ट कर लेंगे, पर ये लास्ट बाउट है और ये जिंदगी बदल सकती है। पेगासस जासूसी विवाद पर संसद में सरकार ने दिया जवाब, राज्यसभा में रक्षा राज्य मंत्री बोले एनएसओ से नहीं किया गया कोई भी लेन देन। जासूसी विवाद पर संसद में जारी है विपक्ष का बवाल, बार बार स्थगित करनी पड़ी दोनों सदनों की कार्यवाही। विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने लोकसभा में रखे तीन बिल, बवाल के बीच ही पास हुए दो विधेयक। 127वें संविधान संशोधन बिल पर विपक्ष ने दिया सरकार का साथ, राज्यों को होगा ओबीसी लिस्ट में बदलाव का अधिकार। कर्नाटक में लिंगायत, गुजरात में पटेल आरक्षण का साफ होगा रास्ता, हरियाणा में जाट और महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन की भी बड़ी उम्मीदें। संसद भवन में राज्यसभा और लोकसभा में विपक्षी पार्टियों के फ्लोर लीडर ने की बैठक, राहुल गांधी भी रहे मौजूद। संसद तक पहुंचा दिल्ली में नाबालिग के बलात्कार और हत्या का मामला, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में दिया नोटिस। असदुद्दीन ओवैसी ने भी लोकसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव का नोटिस, हज हाउस के विरोध में महापंचायत बुलाने का मामला। राहुल गांधी के ट्विटर को लॉक करने को लेकर बड़ा विवाद, देश के कई शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। दिल्ली में भी ट्विटर के दफ्तर के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस से भिड़े पार्टी के कार्यकर्ता। कांग्रेस ने किया था राहुल के ट्विटर अकाउंट को अस्थायी तौर पर सस्पेंड करने का दावा, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने किया इनकार। राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को लेकर भी अपराध हम बार बार करेंगे, एफआईआर दर्ज करिए, गिरफ्तार करिए समेत श्री राहुल गांधी जी के, हम सबको गिरफ्तार करिए। राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल को लेकर बीजेपी ने साधा निशाना, बलात्कार पीड़िता की पहचान जाहिर करने का आरोप। सिर्फ हंगामा मचाना चाहते हैं, सरकार तो अपना काम कर रही है। दो दिनों के जम्मू कश्मीर दौरे पर श्रीनगर पहुंचे हैं राहुल गांधी, कांग्रेस के दफ्तर के उद्घाटन समेत कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। सत्तर की विदाई के बाद पहली बार घाटी के दौरे पर है राहुल गांधी, खीर भवानी मंदिर भी जाएंगे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के लाल चौक इलाके में बड़ा आतंकी हमला, अंधाधुंध फायरिंग में सरपंच और उनकी पत्नी की हत्या। बीजेपी के नेता थे गुलाम रसूल डार, किराए के मकान में घुसकर आतंकियों ने चलाई गोलियां। पाताल से भी निकालकर मौत के घाट उतारेंगे इन जालिमों को, इन कातिलों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने की पूरे इलाके घेराबंदी, चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन।
जम्मू कश्मीर में लगातार दूसरे दिन एनआईए की छापेमारी। बांदीपुरा में 5 जगहों पर टेरर फंडिंग के मामले में छापा। सोमवार को जारी की गई पीएम किसान की 9वीं किश्त, 10.25 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के खाते में 19,500 करोड़ रुपए। पीएम मोदी ने किसान योजना के लाभार्थियों से की बात, कहा किसानों के लिए समर्पित है उनकी सरकार। खत्म हुई जंतर मंतर पर चल रही किसानों की संसद, दिल्ली के बाहर बॉर्डर्स पर जारी रहेगा आंदोलन। किसान संसद के आखिरी दिन जंतर मंतर पहुंचा महिलाओं का जत्था, खेती कानूनों को लेकर जताई नाराजगी। राजस्थान के सीकर से अपने खेतों की मिट्टी लेकर शाहजहांपुर बॉर्डर के लिए रवाना हुए किसान आंदोलन में होंगे शामिल। पीएम मोदी की अध्यक्षता में समुद्री सुरक्षा पर सुरक्षा परिषद में हुई चर्चा, प्रधानमंत्री ने समुद्री रास्ते के दुरुपयोग पर जताई चिंता। हमें मैरिटाइम ट्रेड में बैरियर्स हटाने चाहिए। हम सभी की समृद्धि मैरिटाइम ट्रेड के सक्रिय फ्लो पर निर्भर है। संसद परिसर में टीएमसी सांसदों का प्रदर्शन, त्रिपुरा की विप्लव देव सरकार पर मढ़ा पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। त्रिपुरा हमले में घायल कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंची ममता बनर्जी, कहा पुलिस की मौजूदगी में हुई हिंसा। एक्शन में है पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, अमृतसर में पार्षदों के साथ की बैठक। सुल्तानपुर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचार को लेकर योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। कानपुर में महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला जुलूस, कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। हरियाणा में कांग्रेस ने शुरू किया बीजेपी गद्दी छोड़ो अभियान, सड़कों पर खट्टर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। गोहाना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा यात्रा, कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी। अयोध्या में बनाया जा रहा है राम झरोखा मंदिर निर्माण, देख सकेंगे रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु। पटना में जन अधिकार पार्टी ने निकाली साइकिल रैली, जातिगत जनगणना कराने की मांग। पंजाब के पटियाला में टोल कर्मचारियों का प्रदर्शन, टोल कंपनियों के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी। इटावा के पुलिस लाइन में उतरा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर, बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात। यूपी के औरैया में बाढ़ से हाहाकार, सीएम योगी ने प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे। गाजीपुर में बाढ़ के चलते डूब गया शमशान, शवदाह के लिए परेशान हुए लोग। वाराणसी में खतरे के निशान से ऊपर है गंगा, रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों का पलायन जारी। बलिया में जारी है बाढ़ का कहर, राहत और बचाव के कामों में लगी है एनडीआरएफ की टीम। राजस्थान के झालावाड़ में तेज बरसात से ओवरफ्लो हुआ हिम्मतगढ़ डैम, मौज मस्ती करने पहुंचे हजारों लोग। मध्य प्रदेश से श्योपुर में पार्वती नदी की बाढ़ ने मचाई तबाही, सरकारी मदद का इंतजार कर रहे हैं गांव वाले। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में उफान पर है नदी नाले, जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं लोग। एक घंटे की बरसात में पानी पानी हुआ बिहार का कैमूर, अस्पताल में पानी घुसने से बेहाल हुए मरीज। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में कुछ मिनटों की तेज बारिश ने खोली नगर निगम की पोल, नदियों में तब्दील हुई शहर की गलियां। बारिश से चमोली के लामबगड़ में भूस्खलन, ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बंद, फूलों की घाटी में पैदल मार्ग को नुकसान। उत्तराखंड में बारिश से हाहाकार, जिला मुख्यालय से टूट गया दर्जनों गांवों का संपर्क। 15 अगस्त को देखते हुए एनसीआर में सुरक्षा चाक चौबंद, नोएडा में पुलिस कमिश्नर ने मेट्रो स्टेशन का किया औचक निरीक्षण। गुजरात के आणंद में पटाखे की दुकान में भीषण आग, किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं। राजस्थान के भीलवाड़ा में पुलिसकर्मियों ने की एक युवक की पिटाई, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। मध्य प्रदेश के सतना में सड़क हादसे में युवक की मौत पर बवाल, नाराज लोगों ने की जाम लगाने की कोशिश। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने बड़ी साजिश को किया नाकाम, सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी मात्रा में हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों को कामयाबी, हिजबुल के दो नए रिक्रूट गिरफ्तार, पंजाब पुलिस ने
पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान की बड़ी साजिश का किया खुलासा। अमृतसर में हैंड ग्रेनेड और टिफिन बॉक्स आईईडी बरामद। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कार हादसे में 3 की मौत, अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में खौफनाक अपराध, सरेराह लड़की का गला रेत कर हत्या करने की कोशिश। कानपुर देहात में पेड़ से टकराई श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी, 3 महिलाओं की मौत, 12 घायल। रायपुर में 16 लाख के इनामी नक्सली दंपति ने किया सरेंडर, पुलिस को कई सालों से थी तलाश। पटना सिटी में नशे के सौदागरों पर पुलिस का शिकंजा, ब्राउन शुगर ले जा रहे चार तस्कर गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में रही जादों को महंगी पड़ी स्टंटबाजी, वीडियो वायरल होने के बाद 3 गिरफ्तार। फरीदाबाद में कैमरे में कैद हुई गुंडागर्दी की तस्वीरें, 2000 रुपए के लिए मारकर तोड़ दी दुकानदार की पसलियां। बिहार के छपरा में स्कॉर्पियो और हुंडई कार की आमने सामने टक्कर, 4 बैंक मैनेजर्स को आई चोट। विश्व आदिवासी दिवस पर रायपुर के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम भूपेश बघेल, बजाया ड्रम। आज मनाया जा रहा है विश्व आदिवासी दिवस, झारखंड की राजधानी रांची में दिखा लोगों में उत्साह। 40,000 पार गया सोना, बीते एक साल में 10,000 रुपए हुआ सस्ता, चांदी भी 64,000 के नीचे। 125 अंक चढ़कर 54,402 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 20 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 16,258 पर निफ्टी बंद। भारत में भी वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए स्नैक्स बांट रही है रिटेल चेन्स, खाने पीने के फ्री सामान से भी वैक्सीन के लिए लुभाने की कवायद। तीज के साथ शुरू होने वाले फेस्टिव सीजन में महिलाओं के उत्साह को देखकर इकोनॉमी में बड़ा जोश, बाजार में बड़ी खरीददारी। सामाजिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए कारगर हुई आईटीसी की पहल, राज्यों और नाबार्ड के साथ 83 पीपीपी और 24 तकनीकी गठजोड़ स्थापित। डिमांड में इजाफा होने से निजी कंपनियों ने बढ़ाया खर्च, मेटल सीमेंट और केमिकल कंपनीज ने खर्च करने में सबको पीछे छोड़ा। 17 साल बाद फिर खुल सकता है नए कोऑपरेटिव बैंक्स के शुरू होने का रास्ता, नई लाइसेंसिंग पॉलिसी पर विचार कर रहा है आरबीआई। नेशनल हैंडलूम डे पर देश भर के हैंडलूम आइटम्स की बिक्री के लिए लगाया गया एग्जीबिशन, फंड को जरूरतमंद महिलाओं पर किया जाएगा खर्च।